So hello and welcome back to my channel. Thank you for watching JPD videos for you. So guys, आज का vlog है, पहले हम यूक्लिन जाएंगे और यूक्लिन पे अपना क्लोथ्स को थोड़ा सा वॉश करने देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू देहरानाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज. तो वहाँ पे रिसेंटली अंशु इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारा कैंपस बहुत गंदा हो गया था. तो देर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑन सोशल मीडिया नेम दिस प्रेम तपा, ही हैज़ अपलोडेड फ्यू फोटोज ऑफ कैंपस, बहुत साफ लग रहा था. तो मैंने उसे कहा कि चलो पर्सनली खुद जाके देखेगा कि रियली अंशु इलेक्शन जो स्टूडेंट्स मेंबर है जो वहाँ का कॉलेज कैंपस को साफ किया है कि नहीं. तो लेट्स गो. So right now I'm moving towards Euclid. So Itanagar पे Euclid बोल के एक जगह है जहाँ पे आप reasonable price में आप अपने कपड़े को धोने दे सकते हो. You can get your clothes cleaned up. So I think they do the dry cleaning stuff. So let's go and see. तो मेरा थोड़ा सा कपड़ा है, एक्चुअली धोने के लिए लेजी लग रहा था, ऐसा बात नहीं है, पानी का प्रॉब्लम था. तो अभी हम इसलिए Euclid जा रहे हैं. तो I'll give my clothes there. तो दिस इज Euclid. तो यहाँ पे हम अभी अपना कपड़ा धोने देगा, इट्स वेरी गुड. तो ये है Euclid. अब भैया मैं कपड़ा थोड़ा से. सो गाइस राइट नाउ आई एम इनसाइड द Euclid. तो यहाँ पे कैसे साफ करता है, किस तरह से प्राइस लेता है, हाउ इज द प्राइस, हाउ डू दे क्लीन द क्लोथ्स, लेट्स नो फ्रॉम द पर्सन हु आर वर्किंग हियर. तो अभी हम चलते हैं, भैया से पूछेगा. तो भैया जी, तो आप बताइए अपना Euclid के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को. ये Euclid है आपका, इसमें कपड़ा वॉश होता है आपका, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, सोफा, कारपेट, पिलो, कुशन, हर चीज वॉश होता है आपका इसमें. आपको जैसे अभी वो हो गया पेंट हो गया, पेंट का भी 40 आएगा. जैसे एक जैकेट है, जैकेट आपका ड्राई क्लीन करेंगे तो आपका 149 जैकेट हो गया. आपका ब्लेजर होगा आपका 200. हर चीज का अलग अलग रेट है. आप अगर टी शर्ट, शर्ट, पेंट या आप केजी वाश में भी दे सकते हैं. जैसे आप एक केजी देंगे, वाश एंड फोल्ड करेंगे, आयरन नहीं करेंगे तो 60 रुपीज है. वाश एंड आयरन करेंगे तो 90 होगा. उसमें वाश एंड आयरन होके आपको 60 रुपीज पर केजी ना, पर केजी का आपका 60 रुपीज है विदाउट आयरन. तो पर केजी विद आयरन 90 रुपीज है. तो गाइस यू कैन सी दैट द प्राइसेस आर रीजनेबल ना. तो आप नॉर्मल जो धोबी के वहाँ जाते हैं उससे अच्छा तो यहाँ पे आके साफ करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा. उससे भी आपको बहुत कम में होगा. जैसे आप केजी में देते हैं तो 60 आता है, 6 पीस 7 पीस आएगा एक केजी में, तो आपका 90 रुपीज ही आ रहा है. तो आपका मान लीजिए 20 रुपीज या 25 रुपीज करके आ जाएगा, 15 रुपीज ऐसे आएगा केजी में आप देते. तो नॉर्मल एक शर्ट लेके आते हैं, नॉर्मल वॉश करेंगे तब 40 आएगा. अगर केजी में देते हैं तो आपको बहुत रीजनेबल रेट आएगा, 20-25 करके आएगा. तो आप भैया आप अंदर में आपको कैसे काम करते हैं उसको थोड़ा दिखेगा क्या? हाँ, तो लेट्स सी हाउ द वर्क्स गोज इनसाइड द Euclid. तो आप देखते हैं, तो आप दिखाइए. ये है आपका स्टीम आयरन है.
ये आपका पानी से वॉश होता है, पानी से स्किन पानी वाला पानी। हाँ जी, इसमें कोई आपका कपड़ा उपड़ा में दागी सागी नहीं आएगा। ये चीज होता है इसमें आयरन के लिए, हर चीज आयरन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी चीज आप आयरन कर सकते हैं पानी से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये स्किन आयरन है। ओके, तो आप कपड़ा को कहाँ से कहाँ पे धोते हैं कपड़ा? कपड़ा तो मशीन आगे में होगा। चलो देखिएगा। ये मशीन में देखिए अभी वॉशेबल हो रहा है। हाँ हाँ, कोई भी कपड़ा आपका वॉशिंग करता है। ये पानी से धो रहे हैं ना क्या? कैसे? इसमें आपका पानी और केमिकल है दोनों। इसमें आपका सोप वॉश होता है, ड्राई क्लीन होता है, हर चीज का प्रोग्राम है इसमें। अच्छा, कोई भी चीज आपको ड्राई क्लीन करना हो, सोप वॉश करना हो, तो ये मशीन यहाँ पे करते हैं। वॉशेबल का कोई नॉर्मल कपड़ा आता है तो नॉर्मल कपड़ा इसमें धो जाता है। तो बड़ा ब्लैंकेट लोग को कहाँ साफ करेगा? बड़ा ब्लैंकेट लोग को आपका इसमें सोप वॉश होके उसके बाद इसमें आएगा आपका, इसमें आपका जो ड्राई होगा। ड्राई ना? जी जी। अच्छा अच्छा, इसमें ड्राई होगा। तो आप जो केमिकल यूज करते हैं यहाँ पे, तो क्लोथ के लिए कुछ हार्मफुल तो नहीं है ना? जी जी जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है केमिकल। ये हम लोग का केमिकल ये देख सकते हैं, कोई चीज में जैसे स्टेन हो गया, ये इंक स्टेन के लिए है। जैसे इंक का स्टेन हो गया इसे निकालेंगे, कोई ब्लड स्लॉट का स्टेन होगा, ये सब हर चीज के लिए है। कोई चीज का केमिकल हम लोग का, ये नॉर्मल यू क्लीन कंपनी का केमिकल आता है, ये केमिकल हम लोग यूज करते हैं। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद भैया जी अपना थोड़ा सा यूक्लिन के बारे बताने के लिए। तो आप लोग यहाँ आ सकते हो और यहाँ अपने कपड़े यहाँ पे दे सकते हो, धो सकते हो। एंड भैया कितना कितना आवर से मिल जाएगा कपड़ा अगर देगा तो? कपड़ा दो घंटा पे हो जाएगा। कपड़ा दो घंटा पे हो जाता है तो, लेकिन यूजली तो कस्टमर बहुत सारा जब हो जाता है तो दे गिव देयर क्लोथ्स हियर एंड दे जस्ट पे देयर बिल एंड गो अवे, एंड आफ्टर सम आवर्स दे कम बैक एंड टेक द क्लोथ्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैठने का जगह है। सो टुडे आई हैव गिवन माई क्लॉथ्स ऑल्सो, लाइक आई डिड नॉट गो फॉर द प्राइम वन, प्राइम में आयरनिंग करना पड़ता है, तो आई जस्ट गिव फॉर जस्ट सिंपल वॉश एंड फोल्ड। वॉश एंड फोल्ड में पर प्राइस 60 rupees होता है। गाइस दिस इज यू क्लीन, और ये यू क्लीन जो एग्जैक्ट सेक्रेटेरिएट से जो सामने है, और यहाँ पे एक मोती महल बोल के एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे इसके सामने में है। इट इज़ जस्ट नियर द NH 415। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द हाईवे, सेक्रेटेरिएट वहाँ पर है। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पे यू क्लीन है। तो गाइस एज यू कैन सी द डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस इज क्लीन, बहुत साफ कर चुका है जो हमारे स्टूडेंट यूनियन। तो अंशु इलेक्शन हैज सेट एन एग्जांपल दैट इतना इलेक्शन करवा के, इतना गैदरिंग करवा के, इतना गंदगी फैलाने के बाद भी हमारे पास, हमारे स्टूडेंट यूनियन के पास, हमारे सिटीजन्स के पास अवेयरनेस है और एक नॉलेज है कि हमारे अपना कॉलेज कैंपस को साफ करना चाहिए। तो वाह, एक बहुत ज़ोरदार तालियां, बढ़िया। तो गाइस यू हैव सीन जस्ट राइट नाउ दैट द कॉलेज कैंपस हैज बीन क्लीन्ड अप, एंड आई रियली वांट टू थैंक द स्टूडेंट यूनियन दैट यू हैव डन वन ऑफ अ वेरी नोबल जॉब, बहुत अच्छा काम किया। लाइक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमारे स्टूडेंट यूनियन जो, तो पूरा डेरा नातुंग कॉलेज कैंपस बहुत साफ हो चुका है। एंड आगे फ्यूचर में अगर इफ देयर इज अनदर इलेक्शन, तो लाइक बी इट लाइक जो भी ट्राइब हो, तो आप लोग प्लीज इलेक्शन के बाद ऐसा ही साफ क्लीनिनेस बरकरार रखिए, तो ये बहुत अच्छा है। एंड अंशु इलेक्शन हैट्स ऑफ।